डियर स्टूडेंट्स इन दिस मोड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल मोबिलिटी इन पाकिस्तान पाकिस्तान इज़ अ सोसाइटी विद सिग्नीफिकेंट एक्नॉमिक पोलिटिकल एंड कल्चरल इनिक्वालिटीज़ विच अफेक्ट द सोशल मोबिलिटी ऑफ इट्स सिटीजनस पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे अबंडरचुनिटीज़ हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटीज टू एक्सेल हैं वहीं पर इसके साथ साथ हमारा जो स्ट्रेटिफिकेसन का सिस्टम है जो दर्जाबंदी का निज़ाम है अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिसकी वजह से माशरे के अंदर इनक्वालिटी पैदा होने के चांसेस होते हैं एजुकेशन इज़ अ की फैक्टर इन सोशल मोबिलिटी बट एक्सेस टू एजुकेशन इज़ लिमिटेड इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली फॉर वेमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप्स Uh, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन जो है फॉर ऑल है सबके लिए इक्वल है एक ही तरह की क्वालिटी की है तो ये बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर के चूँकि एजुकेशन बाइफर्कट है उसके अंदर क्वालिटी के अंदर भी जो है वो डिफरेंसेस मौजूद हैं और एक्सेस के हवाले से भी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं बहुत से लोगों के लिए एजुकेशन इनएक्सेसिबल है एक्सपेंसिव है और ख़ास तौर पे अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन जो होती है वो बहुत से पाकिस्तानियों के लिए अनफोर्डेबल होती है तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये मिल इस स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस के अंदर पाकिस्तानियों के लिए सोशल मोबिलिटी के मौक़ों को महदूद कर देते हैं इनक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ इज ऑल्सो अ मेजर चैलेंज टू अपवर्ड सोशल मोबिलिटी विद द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज रिसोर्स कंट्रोल्ड बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कॉल्ड एलिट क्लास इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो पोलिटिकली पावरफुल होते हैं जो फाइनेशली स्ट्रॉग होते हैं वो सब जो हैं रिसोर्स के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काबज़ होते हैं जिसकी वजह से जो स्टेटिफिकेसन प्रोसेस होता है वो रिलेटिवली फिक्सड हो जाता है उसमें अपवर्ड मोबिलिटी के मौा जो हैं बहुत महदूद हो जाते हैं और लोगों के लिए इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ या अपरचुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए शदीद मेहनत करनी पड़ती है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रिलीजन एंड एथनीसिटी ऑल्सो लिमिट्स द सोशल मोबिलिटी फॉर पाकिस्तान और फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर uh, बहुत से लोग जो हैं वो ऐसी पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं कि जो एक्सप्लाइटेटिव पोजीशंस हैं uh, और उसकी नस्बत बहुत से लोग जो हैं वो ऐसी पोजीशंस के ऊपर हैं जहाँ पे पोटेंशियली वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं तो फिर जो ये सोशल मोबिलिटी के पैटर्न्स हैं इनके अंदर एक बड़ा वाज़ डिफरेंस नज़र आता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे प्रिवलेज पोजिशन के लोग ही जो हैं उनके पास अपवर्ड सोशल मोबिलिटी की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जब हम ख़ास तौर ऐसे ग्रुप्स का जिक्र करें जिनको पोटेंशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है जैसे कि आज से कुछ अच्छा पहले तक जो ट्रांसजेंडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस करनी पड़ती थी पाकिस्तान के अंदर तो उनकी सोशल मोबिलिटी के चांसेस या पॉसिबिलिटीज जो हैं वो रिलेटिवली स्टैगनेटेड थे बड़ी बहुत हद तक जो है उनके लिए हमारे माशरे में अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के चांसेस जो हैं वो शायद ना होने के बराबर थे लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम अब चूँकि इसके हवाले से गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉग पॉलिसीज़ डेवलप की हैं जो बहुत फेवरेबल इन्वामेंट प्रोड्यूस करती हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए तो हम वक्त के साथ साथ देख रहे हैं कि उनके लिए भी अपवर्ड सोशल मोबिलिटीज की पॉसिबिलिटीज़ पैदा हो रही हैं इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल देखें पाकिस्तान के ओवरऑल सिचुएशन को देखें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के इस सारे प्रोसेस को देखें तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में जो सोशल मोबिलिटी की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो स्पेसिफिक हैं और वो डिपेंड करती हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग सोशल पोजीशन क्या है और अगर आप बेटर पोजीशन पे हैं चाहे वो फाइनेंशियल फाइनेंशियली बेटर पोजीशन हो या सोशल स्टेटस वाइज़ बेटर पोजीशन हो तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेस करना रिलेटिवली ज़्यादा आसान है नस्बत उन उन लोगों के जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटरी uh, या सबॉर्डिनेट पोजिशन के ऊपर मौजूद हैं सो so, पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी करप्शन एंड वीक इंस्टीट्यूशन आर एडिशनल बैरियर्स टू अपवर्ड सोशल मोबिलिटी